हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को जो कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ड हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम हैंग्स फ्रॉम थ्री कॉर्ड्स एज शोन इन द डायग्राम, व्हाट आर द टेंशंस इन द कॉर्ड। तो हमें यहाँ पर कॉर्ड पर टेंशन निकालनी है और इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये रिजिड सपोर्ट है, ये इस तरह से एक रोप थी, कॉर्ड थी, उसमें हमने यहाँ पर वेट को हैंग कर दिया जिसका मास 15 किलोग्राम है। तो वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगी इस नॉट पर। अगर उसका नाम सी है तो इस सी पॉइंट पर जो आपने वेट लटकाया उसकी वजह से टेंशन ऊपर की तरफ रहेगी, और इन पॉइंट्स पर यानी कि रोप कॉर्ड नंबर बी पर टेंशन T1 मान लेते हैं और कॉर्ड नंबर ए पर टेंशन को हम T2 मान लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर इसे कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ये एंगल 28 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है 47 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं इसे कंपोनेंट को ब्रेक कर लेते हैं। हम T1 के अगर ब्रेक करें कंपोनेंट को तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, अगर ये 47 डिग्री का एंगल है तो ये 47 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 cos 47 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आपका B के लिए, इस T1 के लिए ये हो जाएगा T1 sin 47। ठीक है, इसके बाद में हम ऐसे ही जो T2 टेंशन है इसके एंगल को इसी कंपोनेंट को ब्रेक कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, जैसे कि ये 28 डिग्री है तो अल्टरनेट इसका अल्टरनेट एंगल कितना होगा, ये भी 28 डिग्री हो जाएगा, जैसे यहाँ 47 डिग्री था। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा T2 cos 28 डिग्री, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 sin 28 डिग्री। ठीक है, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम लगाकर चेक करते हैं कि हॉरिजॉन्टल पर और वर्टिकल पर कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल के लिए आते हैं। हॉरिजॉन्टल पर अगर आप देखें तो जो T1 cos 47 है ये किससे बैलेंस्ड है, ये इक्वल टू है हॉरिजॉन्टल पर T2 cos 28 डिग्री। तो यहाँ से हम किसी एक टेंशन को निकाल लेते हैं, जैसे कि मैं T1 को निकाल लेता हूँ, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 28 डिग्री अपॉन में cos 47 इंटू T2। जब हम यहाँ पर cos 28 की वैल्यू 0.8830, cos 47 की वैल्यू 0.6820 रखते हैं तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 1.29 T2। इसके बाद में फिर हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट पर ये जो T2 sin 28 है, T1 sin 47 है, ये इस समय इस टेंशन या फिर वेट ऑफ द बॉडी से बैलेंस्ड है। कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि आप इस तरह से लिख सकते हैं T1 sin 47, ठीक है, प्लस T2 sin 28, दोनों सेम डायरेक्शन में इक्वल टू बैलेंस्ड बाय द m into g, और m into g किसके इक्वल है, ये टेंशन T के इक्वल है, तो हम टेंशन T भी यहाँ पर बोल सकते हैं। अब सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब आप T1 की वैल्यू 1.29 रखते हैं तो 1.29 T2 यहाँ पर आ जाता है, sin 47 की वैल्यू 0.7314 आप इंडेक्स में से देख के लिख सकते हैं, sin 28 की वैल्यू यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 0.4695 लिख देंगे, और m into g की जगह 50:10 लिख देंगे। इस तरीके से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.29 और 0.7314 का मल्टीप्लाई 0.9435 होगा, प्लस T2 into 0.4695, ये sin 28 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से T2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास में फाइनली अंदर आंसर आ जाएगा दोनों को ऐड करके। इस तरीके से यहाँ पर जब आप T2 कॉमन लेंगे इस लाइन से तो अंदर आंसर आ जाएगा 0.9435 प्लस 0.4695, इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा 1.413 इक्वल टू 150। तो हमारे पास फाइनली T2 कितना आ जाएगा, T2 आपके पास में आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 1.413, और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा T2 की वैल्यू 106.16 अप्रॉक्स न्यूटन। अभी आपने T2 की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पर, अब T2 की वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करेंगे जो आपने T1 की वैल्यू फाइंड की थी, यानी कि आप इसे इक्वेशन पुट कर देंगे, ये जो है T1 की वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर आप 1 दे सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे T2 में, तो आप लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो T1 कितना आ जाएगा आपके पास में, T1 इक्वल टू 1.29 मल्टीप्लाई विद 106.16, फाइनली आपके पास में आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 1.29 मल्टीप्लाई विद 106.16, जब इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली आपके पास T1 कितना आ जाएगा, 136.95 न्यूटन। अब T1 और T2 दोनों आ चुके हैं, तो आप ये दोनों टेंशन हमारी निकल चुकी हैं जो डायग्राम में पूछी गई थी, T1 और T2। इसके बाद में टेंशन T बची, ये किसके इक्वल है, ये तो ऑलरेडी वेट के इक्वल है, तो आपके लिख देंगे यहाँ पर T2 इक्वल टू
टी इक्वल टू आ जाएगा एम इन टू जी, यानी कि 15 × 10 = 150 न्यूटन। ये ऑलरेडी हम ऐसे निकाल चुके हैं पहले ही, यहाँ पर हमने दिखा दिया इस जगह पर कि टेंशन एम इन टू जी के इक्वल है। तो इसी के साथ हम तीनों टेंशन निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ द ब्लॉक ऑफ मास एम एंड ब्लॉक ऑफ मास एम डैश, एम इज 3 किलोग्राम, एम डैश इज 1 किलोग्राम, इज कनेक्टेड थ्रू अ पुली विद द इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स 60 degrees ऑफ द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, देन वॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रोप ऑन द पुली एंड द टेंशन इन द रोप व्हेन द मास एम 3 किलोग्राम इज स्लाइडिंग डाउन। तो यहाँ पे क्लियर है, ये मास जो है 3 किलोग्राम को नीचे स्लाइडिंग डाउन करेगा। जब नीचे स्लाइडिंग डाउन करेगा तो इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे काम करेगा, और जो मास एम डैश है छोटा वाला जिसका 1 किलोग्राम का जो मास है, इसका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। हालांकि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है एफ डैश अगर हम बोलें तो वो ऊपर की तरफ रहेगी, जो कि एम डैश इंटू ए रहेगी। अब जो पुली का जो एक्सेलरेशन है वही रोप एक्सेलरेशन होगा, वो इस मास एम डैश और एम दोनों के लिए कॉन्स्टेंट होगा, जिसे हम ए मान लेते हैं। इस तरीके से जो जब ये ब्लॉक एम जो कि 3 किलोग्राम का है, जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा इस इंक्लाइंड प्लेन पर, तो जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ लगेगी इस तरह से करके, जिसे हम टी बोल देते हैं, और यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी नीचे की तरफ है तो इसमें भी टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी, क्योंकि ये ब्लॉक 3 किलोग्राम का नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका नेट फोर्स एम इंटू ए इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगी इसकी एम इंटू ए, इसे हम नाम दे देते हैं एफ का। और अब आती है बारी इस मास 3 किलोग्राम के वेट के कंपोनेंट को ब्रेक करने की। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा सरफेस के पैरेलल और दूसरा कंपोनेंट होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से करके, यानी कि एक यहाँ पर होगा और एक ये होगा इस तरह से करके। अब हमें ये दोनों कंपोनेंट निकालने हैं कितने होंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि एंगल कितना होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है इस वेट का, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा इस वेट से, यानी कि ये जो कंपोनेंट है ये इस वेट से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑन द सरफेस है ये कितना हो जाएगा एम जी कॉस 60 डिग्री, और जो पैरेलल कंपोनेंट है इस वेट का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी साइन 60 डिग्री। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ब्लॉक जो 3 किलोग्राम का ब्लॉक है इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और 1 किलोग्राम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम 3 किलोग्राम के लिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर 3 किलोग्राम ब्लॉक। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो एम वन जी साइन 60 है वो डाउनवर्ड है, यानी कि टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन है, और टेंशन इसके अपोजिट है, तो टेंशन इज़ लेस देन द एम जी साइन 60। तो आपके पास में नेट फोर्स एम इंटू ए कितना आ जाएगा इस जगह पर फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग, यह आ जाएगा एम इंटू ए इक्वल्स टू एम इंटू जी साइन 60 माइनस टेंशन। वैल्यू अगर पुट कर देते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 × a इक्वल टू ग्रेविटी 10 m/s² ले लेते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, तो हो जाएगा 3 × 10 साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी माइनस का टेंशन। टेंशन को इधर अभी हमारे पास में एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों ही क्वेश्चन मार्क हैं, तो इसके इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। आपकी इक्वेशन आ जाएगी 3a इक्वल्स टू, और ये 2 × 5 = 15 √3 माइनस का टेंशन, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 बोल देते हैं इस तरीके से करके। 3a 15 √3 माइनस टेंशन इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम इस पर आ जाते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे फोर्स जो मोशन है ब्लॉक का ऊपर की तरफ है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, तो यहाँ की जो टेंशन है इट इज़ ग्रेटर देन द वेट ऑफ एम इंटू जी। तो इसमें से आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आ जाइए फॉर 1 किलोग्राम ब्लॉक, तो इसके लिए कैसे लगाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक बार दोबारा देख लीजिए, जो नेट फोर्स है एम डैश ए इक्वल टू कितना हो जाएगा टेंशन माइनस एम डैश जी, बिकॉज जो मोशन ऑफ द बॉडी है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी रहेगी, तो आएगा आंसर टी माइनस एम डैश जी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर 1 किलोग्राम फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके लिखेंगे नेट फोर्स एम डैश ए इक्वल टू कितना हो जाएगा टेंशन माइनस एम डैश जी। एम डैश की वैल्यू कितनी है, यह है 1 किलोग्राम की, वैल्यू पुट कर दीजिए 1 × a इक्वल टू टी माइनस एम डैश 1 × ग्रेविटी, आपने 10 ली है 10 m/s², तो a इक्वल टू आ जाएगा टी माइनस 10। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर बाय 1 और 2। तो जब आप a की वैल्यू के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 3, a की जगह टी माइनस 10 रख देंगे इक्वल टू 15 √3 - t। इस तरीके से आपके पास में आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3t - 30 = 15 √3 - टेंशन, टेंशन को उधर ले जाते हैं 30 को उधर ले जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा
टी, थ्री टी प्लस टी इक्वल टू 15√3 + 30। तो इस तरीके से फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 40 इक्वल टू इन 25.95 + 30, इसे अप्रॉक्स ये आंसर जो आएगा 55.95 आएगा, तो अप्रॉक्स इसे हम 56 मान लेते हैं। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 56/4। तो आपके पास में जो टेंशन आएगी वो इस तरीके से टी इक्वल टू अप्रॉक्स 40 न्यूटन के अप्रॉक्स टेंशन आ जाएगी रोप के अंदर। अब हम यहाँ से टेंशन की हेल्प से एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ये जो टेंशन की वैल्यू है 40 न्यूटन, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, यूज टी इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू टेंशन की वैल्यू कितनी है 14 - 10। ये देखिए यहाँ पर टेंशन की जगह 14 पुट कर दिया, तो ए इक्वल टू 14 - 10 इक्वल टू आ जाएगा 4 m/s², ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस तरीके से आप एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें आपसे बोलना है ब्लॉक ए ऑफ मास 12 किलोग्राम मूव्स अलोंग अ प्लेन दैट मेक्स एन एंगल 30° विद द हॉरिजॉन्टल, सी डायग्राम सी फिगर। ब्लॉक ए इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 14 किलोग्राम बाय अ टॉट मास लेस स्ट्रिंग दैट रन्स अराउंड अ फ्रिक्शन लेस एंड मास लेस पुली। द ब्लॉक बी मूव्स डाउनवर्ड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वॉट इज नंबर 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक ए बाय द प्लेन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का तो है ही, साथ के साथ इसमें फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में आसानी हो। तो डायग्राम को मैंने एक बार ड्रॉ कर दिया है। ए बी सी हमने इंक्लाइंड प्लेन नाम दिया है यहाँ पर, ये सी है ये पॉइंट, यहाँ पर पुली लगी हुई है। हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 30° का है। ब्लॉक ए जिसका मास 12 किलोग्राम है, ब्लॉक बी जिसका मास 14 किलोग्राम है, ये ब्लॉक बी ब्लॉक ए को इस तरह से नीचे की तरफ डाउनवर्ड खींच रहा है, यानी ब्लॉक बी नीचे की तरफ आ रहा है, ब्लॉक ए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ब्लॉक ए पर नेट फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ये अपसाइड हो जाएगी ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, और ब्लॉक बी की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी नेट फोर्स के लिए, डाउनवर्ड हो जाएगी। वेट दोनों का m·g वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो इसका हम बोल देते हैं m·b·g, और इसका वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो हमें क्या करना होगा, ब्लॉक ए के वेट के कंपोनेंट हमें ब्रेक करने होंगे, रिजोल्यूशन करना होगा वेट का। ये हमने m·a·g बोल दिया। इसके बाद में जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, और एक होगा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जैसे कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट m·g के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30° का। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, m·a·g·cos·30, और पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इंक्लाइंड प्लेन के, ये हो जाएगा m·a·g·sin·30। ठीक है, अब उसके बाद आती है बारी फ्रिक्शन की। जब आप ब्लॉक आपका ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी सरफेस पर कहाँ लगेगा, इस तरीके से। ब्लॉक तो अपसाइड जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा इंक्लाइंड प्लेन पर। इसका नाम हम स्मॉल एफ दे देते हैं, ये स्मॉल एफ हो गया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ किसके इक्वल हो जाएगा, μ·r, यानी कि μ·r की जगह क्या करेंगे, m·a·g। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन फोर्स कहाँ है, डायरेक्शन फोर्स इस तरह से काम करेगा इस पर, सरफेस के परपेंडिकुलर इस जगह पर, ये डायरेक्शन फोर्स हो जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले ब्लॉक ए की बात करें, फॉर ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए पर आप फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं, तो एक तो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट्स, जो कि रहेंगे आपके m·a·g·cos·30, और एक रहेगा इसका रिएक्शन फोर्स R, यानी रिएक्शन फोर्स किससे बैलेंस है, m·a·g·cos·30 से। अब आते हैं फ्रिक्शन पर। अब ये इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, अब हम आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर, यानी कि हमारे साथ यहाँ पर इस पॉइंट ए पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और m·a·g·sin·30, ये एक डायरेक्शन में है, इक्वल टू ये बैलेंस हैं किससे, टेंशन से। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है जिसमें जैसे हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाती है, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी दी गई है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी अगर दे रखी है तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि जो एफ ए है m·a, ये भी 0 हो जाएगा, और ये जो फोर्स है एफ बी, ये भी 0 हो जाएगा, यानी नेट जो नेट फोर्स है इसमें, इस समय ब्लॉक बी पर ये बैलेंस रहेगा टेंशन से m·b·g, और यहाँ पर ये बैलेंस रहेगा नेट फोर्स m·a·g·sin·30 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेंशन से। कहने का मतलब ये हो गया कि सेकंड ब्लॉक को और मैं दिखा देता हूँ एक बार,
ये जो ब्लॉक बी है इस पे टेंशन टी किसके इक्वल हो जाएगी, टेंशन टी इक्वल टू हो जाएगी आपकी वेट ऑफ द बॉडी यानी कि एम बी इंटू जी के इक्वल। तो अब हमारी प्रॉब्लम इसलिए कम हो जाती है कि हम सीधे सीधे यहाँ से आते हैं ब्लॉक ए से। ब्लॉक ए से आप क्या करते हैं कि आपने टेंशन इक्वल टू रख दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस एम ए जी इंटू साइन 30 की वैल्यू हैंड टू हैंड रख देते हैं जो कि रहेगी 1/2। ठीक है, इसके बाद में जो टेंशन है टी ये किसके इक्वल है, ये एम बी जी के इक्वल है। तो यहाँ से एम बी जी की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्वेश्चन मार्क है प्लस एम ए जी इंटू 1/2। अब सारी वैल्यू इसको पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर एम बी की वैल्यू कितनी है 14 इंटू ग्रेविटी 10 रख दीजिए इक्वल टू एफ प्लस एम ए की वैल्यू कितनी है 12 किलोग्राम इंटू 10 इंटू 1/2। तो इस तरीके से सॉल्व करके आपके पास में ये तो 140 हो जाएगा और ये 12 × 5 = 60 इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये इस तरह से पहुंच जाएगा इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सॉल्व होकर आ जाएगा यहाँ पर 80 न्यूटन। ठीक है, अब हम एफ इक्वल टू म्यू आर से निकाल सकते थे, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, बट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन अब हमारे लिए फॉर्मूला काम का हो गया क्योंकि हम यहाँ से आर हमारे पास में है एम इंटू एम ए इंटू जी और हमारे पास में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जो आपके पास में रिएक्शन फोर्स है वो तो इस सरफेस पर लगेगा जो कि किसके इक्वल है एम ए जी कॉस 30 के इक्वल, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने ऑलरेडी निकाल ही लिया है। तो अब यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे फ्रॉम एफ इक्वस टू म्यू आर और इक्वस टू क्या हो जाएगा म्यू की जगह म्यू आर की वैल्यू कितनी रख देंगे एम ए जी इंटू कॉस 30। ठीक है, तो हमारे पास म्यू इक्वस टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में एम ए जी कॉस 30। सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 80 न्यूटन है आपके पास में और एम ए की वैल्यू है ब्लॉक ए के लिए 12 किलोग्राम, ग्रेविटी 10 ले लेते हैं ईजी करने के लिए कैलकुलेशन को, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.77। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे, आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर के किसी भी और न्यूमेरिकल के लिए या किसी भी और प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट में मुझे बताएं, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम वर्क एनर्जी एंड पावर को शुरू करेंगे यानी चैप्टर 6 को। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।